अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। इस लॉ की जो स्टेटमेंट है इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। यानी कोई आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी जो होती है, जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है, हमेशा क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। इसको एक और स्टेटमेंट में यूं भी लिखा जाता है कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी ना तो बनती है ना कहीं जाया होती है, लेकिन एनर्जी किसी अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील की जा सकती है, होती रहती है, बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसकी स्टेटमेंट है, दो तरह से मैंने इसको बताया, ऐसे लिख सकते हैं या ये सिंपल स्टेटमेंट है ऐसे लिख सकते हैं। इसको अब हम बेसिकली प्रूफ करेंगे इस बात को कि आपके पास जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसके अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। इसके लिए तरीका का यही है कि इस तरह जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी इस तरह की डिस्कशन की थी, उसी तरीके से उसी कंडीशन को लेंगे कि हमारे पास एक हाइट पर बॉल है, हमारे पास स्पोज एक बॉल एम लिया हुआ मैंने, तो ये बॉल हाइट एच पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर इसकी कुछ टोटल एनर्जी है जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है। तो मैं इस जगह पर इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालता हूँ, जैसे मैं इस जगह पर इसकी काइनेटिक निकालूंगा जीरो आ जाएगी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, अभी पहले हम इसको पढ़ चुके हैं एम जी एच जैसे आया, तो मैं इन दोनों को जब सम करूंगा तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए आएगी, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, सम होगा। इन दोनों की जब वैल्यू पुट करता हूं आंसर क्या आता है मेरे पास एम जी एच, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहां पे जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी है बेसिकली यहां पर, ठीक है। फिर जब इसको यहां से रिलीज करते हैं तो ये डाउनवर्ड मोशन के दौरान किसी पॉइंट बी पर पहुंचता है, तो यहां पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, मतलब मैं पहले इस जगह इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, फिर जगह इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, फिर इसको क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। इसी तरीके से देखिएगा ये पॉइंट बी पर मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली और निकालने का हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर आती है किसके बराबर आती है एम जी एक्स, एक्स क्या चीज है जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां तक। इसी तरीके से इसी पॉइंट पर जैसे निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी जो एम जी और इसकी हाइट के मल्टीपल के बराबर है, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, वो आ रही है जी एम जी एच माइनस एम जी एक्स, तो ये मेरे पास क्या निकला है इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। जब इस पोटेंशियल एनर्जी को और इस काइनेटिक एनर्जी को सम करूंगा तो मेरे पास इस जगह की टोटल एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो देखिएगा मैंने यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जो एम जी एक्स और यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी जो एम जी एच माइनस एम जी एक्स के बराबर है, जो इन दोनों को मैंने सम किया तो आंसर क्या आ गया एम जी एच, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर आया जो इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर आ रहा था। इसी तरीके से पॉइंट सी पर चलते हैं, जब बॉल इस रेफरेंस पॉइंट तक पहुंचती है तो फिर यहाँ पर इसकी जो है वो टोटल एनर्जी क्या है, जो इसकी यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगा। देखिएगा इसी जगह पर मैं एनर्जी कैलकुलेट करता हूं, तो जब काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो जिस वेलोसिटी के साथ यहां पे आ रहा है उसका स्क्वायर मास और हाफ से डिवीजन करके ये मैंने सॉल्व किया, तो यहां पे आ रहा है mg x x मीन जितना इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रैवल किया वो h के बराबर है, ठीक है जी। तो फिर mg h अभी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो यहां पर क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट पे आ गया तो हाइट खत्म होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जीरो होगी, तो टोटल एनर्जी यहां कैलकुलेट कर लिया इस जगह की जो काइनेटिक है और इस जगह की जो पोटेंशियल एनर्जी है उनका आप सम करें, जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा एम जी एच। तो देखें तीनों पॉइंट्स पर हमने इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट की, देन हमने कंक्लूजन क्या किया इसके अंदर, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कंक्लूजन ये किया कि इन तीनों इक्वेशन की रोशनी में पहली दूसरी और तीसरी हम ये बात बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि इसकी जो टोटल एनर्जी है दैट रिमेंस कांस्टेंट, बट वन फॉर्म द एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म, जैसे कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ये ट्रेवल करके नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है और किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उनका सम क्या रह रहा है, टोटल क्या रह रहा है, उसी एनर्जी के बराबर है। फिर नीचे आते हैं मजीद पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है और सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक की शक्ल में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन सम करते हैं तो टोटल एनर्जी का आंसर किसी भी इंस्टेंट पर आप कैलकुलेट करते तो आपके पास क्या आता है, वो सेम आता है। मतलब है हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।